पड़ेंगी, चाहे मनीष वो हिंदवी हमारे साहब भस्मासुर आप का हैं, कोई हिस्सा हो। भस्मासुर आप हैं, ये कल कहा भूपेंद्र चौधरी ने। उसका जवाब बहुत अच्छा था अखिलेश जी, अपना चेहरा देख रहे, उसका बहुत अच्छा जवाब आज अखिलेश जी ने दे दिया है। और वो शिवसेना, उन्होंने कहा इंडिया के साथ, अकाली दल के साथ और एनसीपी के साथ क्या किए हैं ये वो बता रहे थे अपने बारे में। ठीक है मनीष जी बोलिए, आ रही हूँ राधिका, आ रही हूँ। उसका कल बहुत अच्छा जवाब अखिलेश जी ने दे दिया है, पूरा ट्वीट है, मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। और जैसा कपीश भाई कह रहे थे कि जिन लोगों ने अपने सहयोगी शिवसेना को मिटाने की कोशिश की, एनसीपी को मिटाने की कोशिश की, शिरोमणि अकाली दल को खत्म कर दिया, यहाँ बसपा की बुरी हालत कर दी, वो आज दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, तो भूल जाते हैं कि तीन उंगलियां उनकी तरफ हैं। खैर कल बहुत सारी यहाँ बातें हो रही हैं, उस पर हम बात कर लें। एक देखिए, चुनाव में जो लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। धर्म निजी आस्था का विषय है, हम सनातनी हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबको अपना धर्म मानने के अधिकार है, लेकिन अब उसकी राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति सिर्फ विकास की होगी और विकास का जवाब इन्हें देना पड़ेगा। अगर हम लोग जैसे आज उत्तर प्रदेश की बात यहाँ कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की ही बात अगर कर लें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था भारत में से 100 बेरोजगारों में से 83 युवा है, 83 युवा है। और उसी रिपोर्ट में आगे ये कहा गया था कि सबसे बुरी स्थिति अगर किसी की है तो उत्तर प्रदेश की है। दूसरी बात, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें उसने 19 स्टेट्स के हेल्थ इंडेक्स को लिया, उसमें उसने बताया कि यूपी बहुत बुरी हालत में 18वें नंबर पर है हेल्थ इंडिकेटर्स पर। तो और जो कार्यकर्ताओं को बात लेकर आदरणीय मौर्य जी कर रहे थे कि मेरा भी वही दर्द है, दर्द आप जानती हैं किस बात का है, दर्द ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोकभवन में बैठे या जमे हुए पिछले 7 साल से कुछ अधिकारी हैं वो चला रहे हैं और उन्हीं के लोग हैं जो पूरे प्रदेश में फैले हैं, तो किसी भी जनप्रतिनिधि की सुनी नहीं जा रही है। पूजा जी, इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि विधानसभा में, विधान भवन में किसी अपनी ही सरकार के खिलाफ 150 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे। मुझे लगता है आपको याद होगा, वो दिन याद होगा जब 150 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे। तो क्या फ्रस्ट्रेशन थी, जनता के बीच जनप्रतिनिधि रहता है, चाहता उसकी बात सुनी जाए, लेकिन यहाँ चंद अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके ऊपर आईएएस अधिकारी लगा दिए गए हैं कि आप देखो ये क्या करते हैं, इनकी रिपोर्ट करो। तो आप सोचते हैं कि इस तरीके से अगर सरकारें चल जाएंगी तो सरकारें चल नहीं पाएंगी। और बहुत स्पष्ट बात है कि जो भी कपीश जी ने भी इस बात को उठाया, जो आरक्षण की बात ये करते हैं साथ, जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण किस बात का होगा। पूरी की पूरी सरकार ठेका सरकार हो गई, संविदा सरकार हो गई है, क्योंकि उनको निकाल देना बड़ा आसान होता है। कोरोना के बाद 5,000 लोग स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे, अभी चंद दिन पहले उनको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही है इस वक्त, लोकसभा चुनाव के नतीजे एक तरफ, लेकिन यहाँ यूपी में 2022 के नतीजे अगर आपको याद होंगे 2.5% वोट परसेंटेज के साथ थे सिर्फ। आप हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं उससे इनकार नहीं करता। देखिए ऐसा है कि जो जनता का जनादेश होता है उससे इनकार नहीं कर सकते। हम कभी इस बात से बहुत घबराए नहीं कि हमें कितना वोट परसेंट मिला, हमें जनता का मैंडेट जो भी मिलता है हम उसको स्वीकार करते हैं। हाँ लेकिन विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते रहते हैं। आप देखिएगा राहुल जी लगातार लोगों के बीच चल रहे हैं, 11,000 किलोमीटर की यात्राएं की, उनकी समस्याएं उठाते हैं, वो लोकल प्लम्बर्स के बीच जाते हैं, कारपेंटर्स के बीच जाते हैं, लोको पायलट्स के बीच जाते हैं, यात्रा के दरमियान समाज सवाल उठाते हैं। और अभी देखिए जो 4 जून के बाद जो नीट का रिजल्ट आया जिसना धांधली भ्रष्टाचार उसमें हुआ, तो 6 सीटें ही तो है ना यूपी की, 6 सीटें ही तो आप ले पाए ना। हाँ ठीक है, हम 17 सीटों पर लड़े, 6 सीटों पर जीते। मैंने फिर आपसे कहा विपक्ष के तौर पर हमारा काम जनता के बीच अखिल भारतीय जनता पार्टी है ये कह रही बीजेपी, भाई आपका जनाधार उत्तर में नहीं है तो दक्षिण में है, आप पूरब में नहीं है तो पश्चिम में, यही कहने की कोशिश कर रहे। लेकिन पैन इंडिया कौन है, वो बीजेपी है। पैन इंडिया लगा, अगर कोई इस देश में कोई पार्टी पैन इंडिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अलग बात है कि जो भाजपा और उनके लोगों का अहंकार है वो चरम पर है। और अभी इस बात का जवाब लूंगी मैं आपसे, आई नो आप एक्साइटेड हो रही है जवाब देने के लिए, लेकिन एक बार मैं रोहित जी को इन कर लेती हूँ, एक सवाल उनसे ले लेती हूँ। रोहित जी यहाँ पर समस्या असल में क्या है, बात पूरी कर दूं? हाँ 10 सेकंड में जल्दी से एक लाइन में बात पूरी कर दूं। देखिए ऐसा है कि जनता का मैंडेट किसी भी लोकतंत्र में आखिरी होता है, और 24 में जो अहंकार था ना उसी का जवाब जनता ने दिया है, इनको मेजोरिटी से नीचे लाए हैं, और आप देखिएगा आने वाले समय में जनता इनको तंत्र से बाहर कर देगी। ठीक है।